कमी आती है नेताओं को, जैसे अखिलेश जी दोनों बात कह रहे हैं, हम शूद्र हैं और शूद्र के संबंध में जो जो भाषा वो बोलते हैं तो फिर वो मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा क्यों जाहिर करते हैं? कहाँ पीछे आए, जबकि वही कहते हैं कि पाबंदी थी तो फिर आप जबरी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी कुरीतियों को दूर करते हुए भारतीय संविधान दिया, सबको एक समान रहने का अधिकार दिया, सबको रहने खाने अपने अपने धर्म मजहब से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पाँच साल चार बार मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, तब उन्होंने चौपाई हटाने की बात नहीं की, तब फिर जब बसपा की सत्ता जाते देखा तब रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए और उसी चौपाई को रटने लगे, राम की पूजा करने लगे, तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ने लगे। तब याद नहीं आया, पाँच साल रामचरितमानस को पढ़ करके भगवान राम को याद करके अपनी बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बने, पाँच साल मंत्री थे, तब ये बात याद नहीं आई। जब सत्ता से बेदखल हुए तो सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए पागल होकर के घूम रहे कि कैसे सत्ता मिले, इस नाते अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। एक भी नेता का बयान शिक्षा के सवाल पे आ रहा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे आ रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसका 12 जातियां लाभ ले रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके सबको हिस्सा दे, और मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव जी, क्यों नहीं किया? अगर ये पिछड़ों के हितैषी हैं तो क्यों नहीं किया? जुल्हा दुनिया अंसारी साई दर्जी फकीर शेख सैयद पठान उन्हीं कोर्ट देता है, उसको उन्होंने क्या किया? जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो पिछड़ों के क्या होंगे? ये जो बयानबाजी दे रहे हैं ये सत्ता न मिलने की वजह से, सत्ता पाने के लिए ये बौखलाहट है। एक सवाल G20 सम्मेलन आगाज हो चुका है, वाराणसी भारतीय जनता पार्टी वाराणसी इकाई के द्वारा आज राजभर महाराजा सुहेलदेव की जयंती का कार्यक्रम आयोजित है, उसी कार्यक्रम में हम लोग इधर शिरकत किए हुए हैं। आज हमारे जब वो संविधान की शपथ लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब वो भूल जाते हैं कि हमको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, सभी धर्म मजहब के लोगों को बराबर का अधिकार दिया है, सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का पावर और अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो संविधान को नहीं मानते हैं। वही कहावत है कि गले में माला विचारों पे ताला, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उनको ये भाषा शोभनी नहीं देती है। आप वीरेंद्र शास्त्री उन्होंने बयान दिया था, उनका कहना था कि अगर वो संत इतना ही बढ़िया संत रहता तो चाइना लगातार वार कर रहा उसको भस्म कर देता। अब ये उनका विषय है, हमारा विषय सिर्फ यही है कि देश में बेरोजगारी कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कैसे लागू हो, गरीबों का इलाज कैसे फ्री में हो और प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल कैसे माफ हो, इसको लेकर के भारतीय समाज पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी को आदर्श मान करके अपने आंदोलन में लगे। मदनी का एक बयान आया है, वो कहते हैं ओम और अल्लाह दोनों एक है और इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। नहीं, वो जो कह रहे हैं अगर आप देखेंगे तो इस्लाम में कोई जाति नहीं होती है, लेकिन इस्लाम में जाति आई कहाँ से? भारत को लूटने के लिए कुछ सिपाही आए थे, 100-200 लोग आए थे, यहाँ से परिवर्तित होकर के ये अहिर गड़ेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो परिवर्तित हुए, वही जाकर के वहाँ जाकर के अंसारी जुल्हा दुनिया साई दर्जी फकीर शेख सैयद पठान ये भूल गए। इस्लाम में जाति नहीं होती, जाति परिवर्तन हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ है, तब जाकर के जातियाँ पैदा हुई हैं।
अगर इस्लाम पहले से था तो जाति कैसे बन गई लगातार। कांग्रेस भी इन्वेस्टर समिट किया, वो भी काम किए, बसपा सपा ने भी किया, आज भाजपा की सरकार भाजपा कर रही है। अब ये विपक्ष के लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि अगर विकास के लिए काम हो तभी बुरा है और गलत काम हो तभी बुरा है। तो इन्हीं से पूछा जाए कि कौन सा काम किया जाए कि जो सही आप लोगों की निगाह में आवे। आपने अगर आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया तो योगी जी मोदी जी ने अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनवा दिया तो क्या बुरा कर दिया? आप क्यों नहीं, जनता ने आप वोट दिया होता तो आप बनवाते, इनको दे दिया ये बनवा रहे हैं। आज ये विकास के प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए इन्वेस्टर समिट खाली भाजपा थ्रो ले आई। अखिलेश ने भी प्रयास किया, मायावती जी ने भी प्रयास किया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया, तो सभी लोग विकास के लिए ही बात करते हैं। जब विपक्ष में आते हैं तो उनका काम ही विरोध करना होता है, तो विपक्ष में होने के नाते ये लोग खाली विरोध करते हैं। नहीं देखिए, अभी तो हम आपके बीच में हैं, हम 25 करोड़ आबादी में जो वंचित और शोषित हैं उनके बीच में काम कर रहे हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, उनको लेकर के उन्होंने हमसे कहा कि हमको मंच दीजिए, सुरक्षा दीजिए, झंडा दीजिए, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने महिलाओं को लेकर के 4 मंडल कार्यक्रम कर चुका, आजमगढ़ मंडल, फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर। अब अगला मंडल हमारा देवीपाटन मंडल की होने जा रहा है। तो उनकी डिमांड है कि प्रदेश में बगल का प्रदेश बिहार है, गुजरात है प्रधानमंत्री का क्षेत्र, और ये बनारस राम और कृष्ण की धरती है और हमारे महात्मा साधु संत हैं, तो फिर लोगों को शराब क्यों पिला रहे हैं? यहाँ शराब बंद होना चाहिए, महिलाओं का कहना है। आधी आबादी महिलाओं की है तो लोकसभा विधानसभा में भी आधी सीटें रिजर्व हो जानी चाहिए महिलाओं के लिए। आधी आबादी महिलाओं की है जब प्रधानमंत्री की कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, डीएम की कुर्सी के साथ साथ फाइटर प्लेन महिलाएं चला रही हैं, तो महिलाओं के नौकरियों में आधी आबादी क्यों नहीं, सीटें सुरक्षित हो जाए? शिक्षण संस्था चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसमें भी आधी सीटें हमारी सुरक्षित हो जाए। इन बातों को लेकर के आधी आबादी महिलाएं, जो उनकी आधी आबादी है, वो भारतीय समाज पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर लोग खड़ी हो रही हैं, हम उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। हम ढेर दिन से सुन रहे हैं अभी कब होगा, चुनाव के बाद होगा कि अगले चुनाव में होगा? लोग अपनी अपनी रणनीति बना करके काम कर रहे हैं, अभी लोग मोर्चा बनाएंगे न नौमन गेहूं हो ही न राधा गौने जाएंगी। जी आपके पुराने साथी रहे शशि प्रताप सिंह जी, उनके घर अखिलेश यादव गए थे और उनके साथ हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो उनका मन है, वो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, वो अखिलेश जी का विषय हमारा विषय। ओम प्रकाश सिंह नहीं देखे, सभी सरकारें, ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जो भी सरकारें आजादी के बाद प्रदेश देश में बनी हैं, सारी सरकारें प्रदेश और देश के विकास के लिए काम की हैं। हर सरकार प्रयास किए कि बाहर से उद्योगपति आवे और प्रदेश में, देश में कारोबार लगाने, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश और देश को सहाल हो, ये प्रयास हर सरकार करती है। ये विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है, ये जब सरकार में होंगे तो ये विनाश का काम करेंगे? है हिम्मत इनके पास, है किसी नेता के पास दम अगर वो बोल दे, मर्द अगर है तो कोई बोल दे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विनाश का काम करेंगे, है बोलने वाला कोई? हिम्मत नहीं है किसी की, है ना? महाराजा सुहेल देव जी का इतिहास क्या कहता है, स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित लड़ाई राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने लड़ा है। तो हमारी लड़ाई महाराजा सुहेल देव जी के सपनों का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं, न कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, हम सत्ता में थे तब भी लड़ते थे इसी बात को लेकर के, सत्ता से बाहर थे तब भी लड़ते हैं और जहां भी जाएंगे वहां भी इसी तरह लड़ते हैं। अभी धूप है, सवेरे मोबाइल संजय के तो ठीक है।